कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। फाइंड एन इफ एन माइनस वन पी थ्री रेशियो एन पी फोर इज इक्वल टू 1:9। ठीक, तो सिंपल सॉल्यूशन बनता है कि आपने जब सॉल्व करना है अपने जो दिया हुआ है एन माइनस वन पी थ्री, हम जानते हैं एन पी आर इक्वल टू क्या होता है भाई, याद रखना है आपको एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो बात करते हैं एन माइनस वन। देखो एन की जगह यहाँ पर एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन है एन माइनस वन, आर होगा तो माइनस थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, रेशियो है तो अपॉन लगा दिया हमने, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:9। समझना, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, यहाँ से इसको हमने ऊपर ले आए तो एन माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस थ्री, बेसिकली एन माइनस फोर फैक्टोरियल ही आएगा, और इंटू एन फैक्टोरियल कैंसिल इक्वल टू 1:9। आप समझिए एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इस एन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे ब्रेक रोक देता हूँ उसको, हाँ क्या आगे वो आते रहेगा, लेकिन अभी हमको यहाँ पर को रोकना है इसलिए ताकि हम कैंसिल कर सकें 1:9। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा आपके पास क्या 1/n = 1/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इक्वल टू 9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर है, तो आप इसको खुद से करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इस इक्वेशन वर्ड से आपने और वर्ड बनाने हैं, चाहे वो विदाउट मीनिंग हो या फिर विद मीनिंग हो, और सारे लेटर का यूज़ करते हुए। तो वही बात है, ठीक है, अगर हम और यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, आप देख सकते हैं वैसे भी हर एक लेटर एक ही बार आ रहा है, ठीक है, रिपीटेड नहीं है। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन या तो आप सीधे सीधे 8 फैक्टोरियल कहते हैं, मीन्स वही बॉक्स वाला अगर आप बनाते हुए चलें तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, × 1 भी आएगा तो उसको यहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, हाँ इंटू चलो 1 भी कर दो, थोड़ा समझने में आसानी होगी। या फिर एक तरीका हो सकता है 8P8 करके, ठीक है, ये भी आप जानते हैं कि आउट ऑफ 8 8 ही आपने सेलेक्ट करने हैं, तो ये भी बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज़ 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से भी बात वही आएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ही आपको मिलेगा 4 0 3 2 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 3 12 12 24। ठीक है, अब जितना आसानी से आप कर सकते हैं, 5 4 20 23 60 62 180। ठीक है, 120 720 720 × 7 × 8 = 4 0 3 2 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, all letters are used at a time, all letters are used but first letter is a vowel। तो तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, 4 letters are used at a time,
तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस क्या होंगे? देखो भाई, आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 4 को सेलेक्ट करके उसको परम्यूटेशन बनाना, उसको अरेंज करना है, तो क्या बनेगा? 6p4, ठीक है, तो बनेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल, बेसिकली 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो बनेगा आपका 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा 360। आप चाहें तो इसको सीधे ये भी बना सकते थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कि 4 बॉक्स, ठीक है, तो पहले में 6, अगले में 5, 4 और 3 यहाँ से बन सकता था, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो ऑब्वियसली 6p6 हो जाएगा, ठीक है, विच इज मीन 6 फैक्टोरियल, ठीक है, याद रखना 6p6 यानी कि एन बी एन अगर गया तो एन फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है, अभी आप फिर ये देखेंगे बाद में। तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो हम देख सकते हैं कि इतना मल्टीप्लाई जब हमने किया था तो ये 360 आया था, इंटू टू और करेंगे तो 720 बन जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। देखो भाई, इसको समझो, वोवल कितने हैं? अगर आप देखें ए ई आई ओ यू, दो वोवल हैं, सारे लेटर तो यूज होने हैं। ऑल लेटर्स आर यूज लेटर बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, मतलब आप ये समझिए कि ये जो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, जो फर्स्ट का पार्ट है यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर कोई या तो ए आएगा या फिर ओ आएगा, तो इसको फिल करने के मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। अब दो तरीके हैं और एक तो फिल कर दिया है, ठीक है, यानी कि एक लेटर यहाँ पर आ चुका है, अब आपके पास कितने लेटर रह गए? 5, तो 5 तरीके से इसको भर सकते हैं, 4 तरीके से इसको, 3 तरीके से, 2 से इसको और 1 से इसको, तो बनेगा आपका 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या बनेगा? आपको दो आपके पास वोवेल हैं और इसमें से आपको एक मतलब फर्स्ट लेटर यानी कि फर्स्ट बॉक्स को फिल करना है, तो एक ही फिल करना है, तो 2p1 एक चाहिए, आपको एक सेलेक्ट करना है। अब बचे कितने? ठीक है, बचे आपके पास कितने? 5, उसमें से आपको 5 सेलेक्ट करना है, तो 2p1 × 5p। अब आप ये नहीं कहना कि 4 बचे, ठीक है, एक ही है ना, अब भरना तो एक ही है, सेलेक्ट तो एक ही करना है, तो 5 आपके पास तब भी बचेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2p1 में आपको क्या मिलेगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1, 1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज़ 1, इंटू 5p5 इज़ 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 2, तो मीन्स आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, कितना? 240, ओके, ठीक है, बाकी इसको फिर फिनिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।